हेलो गाइस, राम राम जी सारे ने। आज मैं आपको लेके आई हूँ गांव की तरफ। ये देखिए, गांव में पहले बड़े बड़े दरवाजे लगे होते थे, अब तो आपको ये बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि नए नए मकान बन गए, नई नई जनरेशन आ गई है। तो उनका क्या है, ये मकान बनाने का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया उनके अकॉर्डिंग। और ये देखिए, जो अंदर की शेप है मकानों की, ये होती थी, ये अब आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। आपको शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी देखने को, गांव में तो फिर भी एक आध मकान जो बचे हुए हैं उनमें ये आपको शेप देखने को मिलेगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आज गांव का मैं आपको पूरा का पूरा जो लाइफ होती है वो आपको दिखाऊंगी, क्या क्या होता है गांव के अंदर, क्या क्या नहीं होता। ये देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और गांव में एक खासियत है कि खुले होते हैं मकान, भैंसों का अलग से होता है, रहने का अलग से होता है, बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए, ये आ गई पार्वती, इसका नाम पार्वती रखा हुआ है। बहुत ही प्यारी बच्ची थी, ये बच्ची बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल बच्चों से बड़ा प्यार करती है ये, आप देख सकते हैं। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको हरियाणवी में बुग्गी बोलते हैं और उसको बलद बोलते हैं भाई। अब हम आ गए खेतों की तरफ। ये देखिए, हरियाली हरियाली कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब देखते ही ये लग रहा है हम कहीं आ गए बाहर, शहर की लाइफ से हटके कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, गेहूं कैसे सोने की तरह चमक रही है, ये पक के तैयार हो गई है, इसको काटा जाएगा अप्रैल में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नजारा, बहुत ही अच्छा। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ये देखिए, ये जो गेहूं है ये पक के तैयार नहीं हुई है, जो ग्रीन रंग की है ये अभी कच्ची है, ये पकने में इनको टाइम लगेगा, क्योंकि जो पक के तैयार हो जाते हैं वो मैंने आपको दिखा दी, येलो कलर की होती है वो। और ये देखिए भाई, ये था डोगी, ये भी हमारे साथ साथ चलेगा और खेतों का मजा लेगा ये भी। और ये आगे भी गांव के ट्रैक्टर जो गांव में खेती के लिए हम यूज करते हैं, ये आप देखिए। और ये देखिए, ये आ गई सरसों, इससे हम क्या निकालते हैं, सरसों का तेल जो हमें मिलता है वो इससे मिलता है, इसको निकालेंगे, अभी काट के रखी हुई है। और ये आ गई भी, जहाँ पर बच्चे नहाते हैं, महिलाएं कपड़े धोती हैं, पशु यहाँ पर पानी पीते हैं, इसको हम हरियाणवी के अंदर रजबाया बोलते हैं। और इसका पानी जो है खेतों में सिंचाई के लिए जाता है भाई, ये देखो। और ये आ गए हम अपने खेतों के अंदर, अब यहाँ से पशुओं का चारा काटा जाएगा। और ये देखिए, ये बहुत ही मजेदार फल है, मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी है ये, इसको सैतूत तो बोलते हैं, शहरों में नहीं मिलता ये, और यहाँ पे देखो फ्री में खाने को मिल जाता है ये। ये देखिए, रेड कलर का जो ये पका नहीं है, और जो इसके अंदर ब्लैक कलर का है वो पक के तैयार हो गया है, और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। आप बताना कमेंट करके, आपने कभी इस फल को खाया या नहीं खाया। ये देखिए, जो ब्लैक कलर है वो पक के तैयार हो गया है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है ये, शहरों में तो ये बहुत ही महंगा मिलता होगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं हरियाणवी में बरसिम, बरसिम जो पशुओं का चारा होता है। अब इसको यहाँ से काटेंगे और फिर भैंसों के लिए लेके जाएंगे। ये आ गई मेरी मम्मी जी जो इसको काटेंगी और फिर इसको लेके जाएंगे। ये देखो ऐसे काटते हैं इसको, कितनी मेहनत लगती है, मतलब हर काम को करने में। गांव का जीवन बड़ा मेहनत वाला होता है, हम उसको क्या है, गांव में जो लाइफ होती है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो चीजें हमें नहीं मिलती जो शहरों में जल्दी से मिल जाती है, हमें शहरों की तरफ जाना होता है। ये देखिए, ये गेहूं है भाई, ये देखिए इसके अंदर ये दाने होते हैं जो पककर वो गोल्ड की तरह दिखेगी, उसमें से दाने निकलेंगे, जिसका आप आटा बनाते हो फिर ये निकलेंगी, तब गेहूं आपको रोटी खाने को मिलती है। एक वीडियो मैंने डाल भी रखी है कैसे इसको काटते हैं, वो वीडियो आप देखना।
ये देखिए मौसम कैसा हो गया है, बारिश वाला। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, येलो और ग्रीन कलर मिक्स होकर बहुत ही अच्छा नजारा मिल रहा है। और गांव में एक अच्छी बात है, पोल्यूशन इतना नहीं होता, शुद्ध हवा होती है और शरीर भी हमारा तंदुरुस्त रहता है, कोई बीमारी नहीं होती इतनी। क्योंकि गांव में लोग खेतों में घूमने जाते हैं, यहाँ कोई पार्क तो है नहीं कि वहां पे एंजॉय करेंगे अपना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए आप गेहूं कितनी प्यारी लग रही है, ये येलो येलो कलर आंखों को मोह करने वाला लग रहा है। ये बच्चे भी गांव में बहुत मौज मस्ती कर दिए, देखो खेतों में कैसे घूम रही है। शहरों में ये बात नहीं होती जो गांव में होती है। ये देखिए हरियाली हरियाली जो आंखों की रोशनी को भी बढ़ाती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव में आके बहुत दिनों के बाद गांव में जाने का मौका मिला। ये देखिए बच्चों ने अपने अपने कैसे गठरी बांध ली हुई, ये अपनी दादी की हेल्प करवा रही है, इनको मजा आता है। छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशियों को ढूंढ लेते हैं बच्चे, देखो कितना एंजॉय कर रही है बच्चे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अपने बचपन को एंजॉय कर रहे हैं ये। और ये देखिए अब ये भी शहतूत खाएंगे क्योंकि खाने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं ये। और शहरों में तो मुझे लगता है ये बहुत ही महंगा मिलता होगा क्योंकि मैंने तो आज तक देखा नहीं हुआ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये खाने में, क्योंकि ब्लैक हो गया, ये पककर तैयार हो गया है। अब बच्चे इसको खा के हम एंजॉय करेंगे। ये देखिए और ये अब हम आ गए हैं रजबाई की तरफ, जो ये बीच वाली लाइन है इस पे महिलाएं कपड़े धोती हैं। और ये पानी देखो दूर दूर तक जा रहा है, खेतों की सिंचाई के लिए जाएगा। अब ये किसान इससे खेतों में पानी देंगे। और जो पुल बना हुआ वहां से बच्चे कूद भी लगाते हैं इसमें नहाने के लिए। ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मौज मस्ती करते हैं। ये देखिए ग्रीन कितना सुंदर नजारा है, ये देख के मन खुश हो जाता है सब। ये देखिए आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, जरूर देखना हर मोमेंट को, देखना हर पल को, देखना बीच में छोड़ना मत वीडियो को। ये देखिए बच्चे ऐसे भागते हैं एंजॉय करते हैं, शहरों में ये बात नहीं होती। बस यही फर्क है शहर की लाइफ में गांव की लाइफ में, कि गांव में बच्चे खुला घूमते हैं, खेतों का नजारा लेते हैं, सब उनको पता होता गांव की लाइफ कितनी कष्टदायी होती है, तो इसलिए वो मेहनत करना उनको वो आता है जो शहर में शायद बच्चे को ना आए। ये स्टार्टिंग से ही मेहनत करना सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस पता होती है। अब ये देखिए ये अभी गेहूं जो पक्के तैयार नहीं हुई है, ग्रीन रंग की है ये, इनको टाइम लगेगा। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए बच्चे कैसे मौज मस्ती करते हुए घूमते हुए पैदल घर की तरफ निकल पड़े हैं। और वो देखिए पीछे भैंसे भी आपको दिखाई दे रही हैं, उनको पानी पिलाने के लिए लेके जाया जा रहा है। बच्चों को उनका बचपन जीने का पूरा हक, उनको जीने दिया करो, जो वो खेलते हैं गेम खेलने दो उनको, आप रोको मत उनको, अपनी उनकी लाइफ को एंजॉय करने दो। यही दिन होते हैं बच्चों के बचपन जीने के, बड़े होके तो वही लाइफ चलती है, फिर मौज मस्ती खत्म ही हो जाती है। और देखिए आप एक ये देखिए इसको बोलते हैं हरियाणवी में बिटोड़ा, ये देखिए महिला कितना मेहनत करती है इसको जचाने में। ये गोसे पात के रखे हुए हैं, बना के रखे हुए हैं, जिसको क्या है शहर में कोपले बोलती हैं। ये देखिए इनको उठा उठा के इसके अंदर रखती हैं, फिर बाहर से गोबर लपेटती है, इसके लेप लगाती है गोबर का। ये देखिए कैसे वे बना रखे हैं इतने सारे, इनको फिर उसमें इसके अंदर रखते हैं, जैसे हम घर बनाते हैं ऐसे ये बिटोड़े रखने के लिए ये ऐसा बना देती है, फिर बाहर से गोबर का लेप कर देती है और उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। अब देखिए मैं आपको लेके आई हूँ चाकी, इसको हम हरियाणवी में भी चाकी बोलते हैं, जो आटा पीसती है।
पशुओं का भी पीसती है और जो हम खाते हैं हमारे लिए भी पीसती है ये। और ये देखिए आ गया गंडासा, जो पशुओं का चारा काटती है, ये देखिए। और लाइक ये क्या है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना आप। मैंने पूरी लाइफ जो गांव की होती है मोस्टली वो दिखा दी आपको। बहुत ही अच्छा है ये, चाकी बोलते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।